वहीं सिवनी के घनसौर में पूर्व विधायक रामगुलाम उइके ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। आदिवासियों को संबोधित करते हुए आपको बता दें कि गोंडवाना पार्टी के पूर्व विधायक रामगुलाम उइके ने कहा कि एक आदमी पूरे देश को मूर्ख बना रहा है। इंदिरा गांधी को मारने के लिए गोली बन गई, राजीव गांधी को मारने के लिए मानव बम बन गया, लेकिन अभी तक मोदी को मारने के लिए बम नहीं बना है। सुनिए, माने गरीब बीमार होगा जो होगा कोरोना होगा वो मारे काशियों की किडनी हेर के बेच रहे तो मत रहे पूरी पब्लिक के हा? अरे 130 करोड़ के लोगों को मूर्ख बना के रखे एक किया आदमी ने और हम लोग झेल रहे, हम भी बेचारे हैं। वो विदेश के बम नहीं बन रहे हैं का? इंदिरा गांधी की गोली मारे नाने गोली बन गई, राजीव गांधी के बम से उड़ान के नाने विदेश में माने बम बन गए, मोदी जी के उड़ान के नाने कोई बम नहीं बना सक रहे हैं का? देश के वरिष्ठों के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति यह भावना रखना निंदनीय है। मैं रामगुलाम जी से आग्रह करूंगा तो तत्काल इस बात की माफ़ी मांगे कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द कहे कि क्यों ना इनके लिए बम बना के उड़ा दिया जाए।